साड़ी भी ईद जी किस तरह गुजरती पी है, अगली वीडियो जी थोड़े नाल शेयर करने हैं, और कुछ दुख भी हैं ते सुख भी हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो जी थोड़े नाल शेयर करने हैं। सुबह सुबह पकाई खड़ी है सेवियां, लेकिन खावांगे ईद दी नमाज पढ़न तो बाद। माशाल्लाह जानवर जड़ा सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वास्ते जड़ा ना जिन्हें कुर्बान करना है, मैं नमाज तो पहले थोड़ा विखा दे। नमाज पढ़न वास्ते जोक दर जोक जड़ा ना जी मस्जिद ला रहे ने, और असी भी मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जड़ी है ना जी बाद जमात अदा करांगे। फैजा बीबी जड़ी है ना जी वो हो गई है तैयार, लेकिन बेगम साहिबा हाले तिकर तैयार नहीं। रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम, परवरदिगार दी रहमत बरकतां ते नेमत दे नाल अज दी वीडियो दा आगाज करने हैं जी। अज ईद उल अज़हा, सारे भैन भरावां नूं सब तो पहला ईद उल अज़हा मुबारक होवे, और जिहड़े साडे भैन भाई कुरबानी करदे पए ने उहनां नूं भी बहुत बहुत मुबारक होवे, और जिहड़े साडे भैन भाई कुरबानी करन दे मतलब इस्तेकाक नहीं रखते उन्होंने भी ये ईद जी है ना जी बहुत बहुत मुबारक होवे, और अल्लाह ताला सब की खुशी नाल ईद जी है ना जी अज की गुजारे। तो सुबह सुबह बेगम साहब जी है वह बिस्तरे कुंजी पई है, तो मैं उठ गया वा, और मैं हम सुबह सुबह करांगा एकड़ा काम मेरे जिम्मे लाया, सिर्फ कपड़े कपड़े इस्त्री करने ने जी, वो मेरे जिम्मे लग गए ने, और बिलाल जड़ा है ना वो पानी लैन वास्ते जा रहा है, कोई दो चार बोतल पानी की भर के लियावेगा, कुछ पहले दिया भैया ने बना लवा जी ते बारो भुख फेर लवे के फिर ईद दे ने सारा दिन रश बन जाना काम दा, ता करके मैं सारे रिक्वेस्ट। और दूसरे नंबर पे कफसर कमेंट्स में आ रहे थे कि भाई तुसी शेव शेव नहीं करवांदे पे, ते ईद उल अज़हा जिन्ने कुर्बानी करनी होवे ना ओदे वास्ते डबल सवाब हुंदा है, अगर वो अपने बाल शाल जिहड़े ना ना उतरवावे, अपने नाखन ना तरछावे, तो ये डबल सवाब होता है। इस वजह तू इन्नी सी कीता, तो अज इंशाल्लाह ईद पढ़ के उस तो बाद कुरबानी करना करांगे, और कुरबानी करने तो बाद जड़ा जी फिर इंशाल्लाह ये बिल्कुल शेप जड़ी है ना करवावांगे। और फैजा बीबी भी माशाल्लाह सुती पई है, और ऐजा बीबी भी हाले तक सुती पई, और यदि तबीयत मतलब खराब है, कल मेडिसिन वगैरह लईए, अलहमदुल्ला काफ़ी बेहतर है, काफ़ी ठीक है, लेकिन मस्जिद आज वैसे ही छुट्टी है, इन्होंने कुनी सी जाना, तो इस वजह तो हाले तक सूती पई है, और फैजा भी हाले तक सूती पई है। कूलर चलता पाया, और कूलर वैसे सानू जड़ा ना ठीक नहीं सी बनया, बरहाल ईद वाले दिन इस तरह दी गल्लां नहीं करनी चाहीदियां। बिल्कुल लोकल कंपनी है, इहदा जड़ा ना ऑन ऑफ वाला बटन वह भी सारा टुट भज गया, थले वाले बटन भी सारे जड़े इन्ना खराब खरूब हो गए, हुण डायरेक्ट ही है मगरू तार लाओ चलता वरना। ओके माशाल्लाह मौसम भी बड़ा प्यारा बने हुआ है, और बाहर चार दीवारी तो बाहर मतलब चहलकदमी जड़ी है ना करन दा अपना ही मजा है। सुबह सुबह बहुत ज्यादा सुकून होंदा है, बहुत ज्यादा मतलब अगर वेखिए तो शांति होंदी है, और उस तो बाद फिजा बड़ी जड़ी है ना वो साफ सुथरी होंदी है, कोई किसी किस्म का टेंशन नहीं होंदी, और बिल्कुल हैप्पी फील मतलब फिजा इस तरह की होंदी है कि दिल जड़ा ना एक बार बिल्कुल इंज महसूस होंदा है कि जिमें ना बंदा टाइम जड़ा ना मतलब इस तरह का है कि जिमें बंदा कोई ना जन्नत आ गया। तो सुबह सुबह का एरिया बाहर फसल क्योंकि दोपहर के टाइम तो बहुत ज्यादा हबस हो जाती है इन्होंने फसलों के, कोई भी फसल हो दोपहर के टाइम वैसे ही गरमैश जी ना वो अपनी खारिज कर दी, लेकिन सुबह सुबह के टाइम जी फसलों के हरियाली के अंदर हरियाली के नज़दीक जी मतलब मजा आता है ना वो होर किसी टाइम भी नहीं आता, मतलब शाम टाइम भी नहीं होता और रात टाइम भी नहीं होता, सुबह सुबह बहुत ही फिजा जड़ी है ना वो माशाल्लाह बहुत प्यारी होंगी है। और मौसम भी आज वैसे भी ईद का दिन है, मौसम नेट पे बारिश भी दसी हुई उन्होंने, लेकिन मौसम तो बनता पाया, वेखो हुण बारिश आती है कि नहीं आती, अल्लाह ताला दे कम ने जी, वो जो चाहे सो कर सकता है, कादर है। नमाज़े ईद जड़ी है ना जी वो साढ़े कोल 8 बजे अदा होनी है, और 8 बजे तो पहले पहले तैयारी जड़ी है ना मुकम्मल करने हैं, तकरीबन 5:30 हो गए ने हुण, कपड़े शपड़े जड़े ना जी वो इस्त्री करने ने बच्चों के भी अपने भी, बेगम जड़ा है जल्दी जल्दी घर की कोई साफ सफाई जड़ी है ना वो कर लेगी, और बच्चे जड़े ना अपना कोई ना धो लैन वो जल्दी तैयार हो जाएंगे, और उस तो बाद फिर
मतलब असि नहा धो के तैयार हो जावे और जल्दी जल्दी 8 बजे तो पहले पहले जी तैयारी कर लवेंगे। बेगम साहब जड़े ने जी कपड़े कट के तो दें भी कि कपड़े जड़े ने जी पाने ने बैग च पाए हुए सी बंद करके वाला सूट मैं जी ना पावगा ये वाला केड़ा है बुस्की चाहे बना अच्छा ये वाला केड़ा कमीज भी कट दें शावर जड़ा हो ना भी बनैन भी होगी हो बाकी कपड़े बच्चों के इस्त्री उस्त्री नहीं होनी जड़िया हो गवर्नमेंट को नहीं जांदी घट जाए मौसम भी खराब है ईद भी जल्दी हो जानी टाइम बिलकुल कोई नहीं तैयारी जल्दी जल्दी तैयारी कर ला इस्त्री जड़ी है ना जी वो मैनू हर वारी कहती है कि हुण बस कर की कढूं मैं मेरे विचों मैं हुण बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो गई हाँ तो हुण मेरी काफ़ी उम्र हो गई है तो हुण बस कर मैं इनू जदों भी बनवाना ना जाके मेरे नाल लड़ पैंदी है और मैनू कहती है कि हुण मेरे च भी कोई नहीं है नहीं तो हुण तू बस कर तो तब्दील कर मैनू लेकिन मैं कहना वा कि जिनी देर मज मिलती होवे ना उन्नी देर तारा खड़ी रखी दिया ने कोई भी नहीं छड़दा जिनी देर अगर अद्धा किलो भी मतलब अगर मज दुध देंदी भी होवे ते बंदे उन्हूं चौमन तो नहीं खलोंदे उहदा दुध जिहड़ा ना उतनी देर कढ़दे रहिंदे ने ते इस वजह तू तू हाले तीकर कपड़े इस्त्री करके दे रही है ते तू चुप करके कपड़े इस्त्री करके दीती रख लेकिन हर वारी कोई ना कोई मसला बनांदी है ते फिर मैं पेचकस फड़ के तेरे दुआले हो जाना ठीक है जी और फिर जदों तक ये अपना काम नहीं करन लग पैंदी मैं फिर इहदी जान जिहड़ा ना छड़दा नहीं हां पानी मंगाया है जी क्योंकि कपड़ा जड़ा ना सॉफ्ट काटन है तो इस वजह तू ये बगैर पानी तू इन्हें इस्त्री नहीं होना इन्हू पहले थोड़ा थोड़ा पानी ला के ते इन्हू जड़ा ना फोल्ड करके रख देने ताकि ये अच्छी तरह अपना नरम हो जाए और उस तो बाद इस्त्री होएगा और पानी मंगाया शावर है कोई नहीं सी नाल ही जड़ा ना इस तरह इन्हू इस तरह छट्टे मारांगे कपड़े नू इस तरह करके जड़ा ने जी रख दिते ने ये नरम हो जाएंगे और नरम होने बाद फिर इन्हू इस्त्री करांगे और ऐ जड़े कपड़े पहन ना जी ये सारे इस्त्री मैं करके हुण उठना है ना के रेडी हो गए हैं कपड़े भी इस्त्री जड़े ना सारे कर दिते सी टाइम बहुत ही घट है इस वजह तू जल्दी जल्दी जड़ा ना मस्जिद पहुंचना क्योंकि सब तो पहले जड़ी है ना वो जरूरी है नमाज और मैं जाना जाना तो जानवर भी इंशाल्लाह भी खा के जाना वा कि जानवर जड़ा है ना वो केड़ा है जिंदे जैसी सब आया ते नमाज पढ़ के ते फौरन बाद आके फिर कुर्बानी करनी होंगी और उस तो बाद फिर आके कुछ चीजा जड़िया ना घर खानिया पकानिया होंदिया ने जो भी करना होंगे और उस तो बाद करना ते इंशाल्लाह तैयारी होगी और जल्दी जल्दी जाएगी ना नमाज पढ़ने घर की जिनी सफाई होंगी सी ना उन्नी बेगम ने सुबह सुबह उठद कर दी है सफाई इतने भी झाड़ू मारिया लेकिन ये हाले तीकर बिल्कुल खुशक नहीं होया इस वजह तू इधर ये हाले आ सावल जी जी है ना ये बिल्कुल उत्ते नजर आती पी है क्योंकि जम गई हुई उत्ते जो अच्छी वाली खुशक होएगी ना तो फिर ये उतू उतरेगी और उस तू इलावा यह कुछ मतलब सीवी टाइप जोड़ा है ना बनया खिलावा कम चेक करो ना ये भी बिल्कुल हूँ झाड़ू मार के हटी है लेकिन बाद फिर जोड़ा ना उत्ते बनता पाया ये भी पानी की वजह तो ही है मतलब सैलाबे की वजह तो है। हाँ जी आप अभी तक नहीं ना है चलो टूब ब्रश करो पहले सबसे पहले बाहर बैठ के करो ना टूब ब्रश जल्दी कराओ बिलाल जड़ा ने जी वो ना रहा और वो ना के निकलता है ने कपड़े पा के ते असी फौरन तो फौरन जड़ा ना मस्जिद पहुंचांगे दोवें प्यो पुत्र और ये फिर पिछू अपनी तैयारी कर लेंगे क्योंकि औरत ईदा दी नमाजा जड़िया ना जी वो फर्ज नहीं होंदिया दोवें ईदा दी नमाजा औरत ते फर्ज नहीं हैं ए अगर पढ़ लवन तो गुनाह कोई नहीं है अगर ना पढ़न तो इन्हें फर्ज नहीं है ये साडे खतीब ने सानू दस्या वा और पहले भी कुछ अपनी मालूमात भी है सी पढ़िया काफ़ी जगह ते बकायदा ये मसला जड़ा ना पूछा भी सी अपने इमाम साहब को और उन्होंने कहा सी कि औरत ते नमाज़े जुमा भी फर्ज नहीं है और औरत ते नमाज़े ईदीन भी फर्ज नहीं जी ने जी सुबह सुबह पकाई खड़ी है सेवियाँ लेकिन खावे ईद की नमाज पढ़न तो बाद ठीक है जी
और इस तू बाद होर फिर काफी सारी चीजा जेडियां ने गुजरदा जुड़दा या कोई इस तरह की चीज। बेगम और की पकाना जी? नहीं कोई चावल चुवल या गुजरदा कोई इस तरह की चीज। बेगम जी है ना जी वह बिलाल नु तैयार करती, जल्दी कर बिलाल बेटे जल्दी कर, नमाज का टाइम हो गया रह जाना है। जुत्ती एक चप्पल पा लेनी सी आके वापसी इतने घर पा लेंदा है जुत्ती मस्जिद पा के जान दा उते चुक लेगा। एक चप्पल ही पा के आना तो तू जो वापसी घर आएगा ना तो फिर चप्पल बदलने जल्दी कर। बेगम साहब जी है ना जी उधर मैं पूछा कि चावल है ना तेरे को पे थोड़ा जा जरदा पका ले ठीक है ना कोई एक अद्धी प्लेट वांड गवांड भी बंदा तकसीम करदा ठीक है जी। और दूसरे नंबर ते नाल गोश्त ते फिर वैसे भी मीठा जड़ा थोड़ा जा होवे ना तो मजा करदा ते ओ फैजा ने चुक के नवा दवा उन्हें भी तैयार कर आप भी तैयार हो वो असि नमाज पढ़ने चले हैं तुसी जल्दी नाल पिछू तैयार हो जाओ ठीक है। चंगा जी असि नमाज क्यों इलामा साहब जेड़े हैं ना जी वो बार बार बुलाई जा रहे हैं और कह रहे हैं कि टाइम जेड़ा ना बिल्कुल थोड़ा फौरन तू पहले पहले पहुंचो। हाँ फौरन तू पहले तो नहीं बंदा पहुंच सकता लेकिन फौरन पहुंच सकता है इस वजह तू फौरन फौरन जेड़ा है ना जी पहुंचने मस्जिद क्योंकि पूरे 8 बजे नमाज का टाइम है और 7:50 जेड़े ना जी हो गए हैं और सिर्फ 10 मिनट साढ़े को और साड़ी मुसाफत पैदल जी ना पंज जी माशाल्लाह जानवर जरा सुनते इब्राहिमी अदा करने वास्ते जरा जी कुर्बान करना मैं नमाज तो पहले थोड़ा विखा देव और इन बिल्कुल इस टाइम आजाद छड़ दिता है कि जिन्ना भी खा पी सकता ना खा लवे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बहुत ही सोहना ईद की वजह तो करके ना बच्चों की मतलब है तफरी वास्ते पिंड झूले आए हुए ने। हाँ जी की हाल ने और ये अपना बच्चों इंटरटेन कर रहे हैं। फिलहाल जल्दी है नमाज हो जानी है आप फिर जरा ना रह जाना है। लोग नमाज पढ़ने वास्ते जोक दर जोक जरा ना जी मस्जिद ला रहे ने और असी भी मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जड़ी है ना जी बाद जमात अदा करांगे और उस तो बाद फिर कुर्बानी इंशाल्लाह वो भी करांगे और भी थोनों विखावांगे सारा कुछ अज तो जी नाल नाल थोनों विखांदे रहांगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज ईद अज़हा है और छोटे बड़े सारे जड़े ना वो मस्जिद जोर जोर जोक आ रहे हैं और नमाज का भी टाइम जड़ा ना बिल्कुल अन करीब हो गया। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा हो गया और बहुत ही बेहतरीन मौसम ऐसा मौसम दी सुनाओ बड़ा बेहतरीन है माशाल्लाह। इस तरह ज्यादा आवे बारिश ज्यादा ना आवे है गोश्त करीब बन जावे फिर भावे वसदा रहे हाँ फिर ठंड माशाल्लाह। अबू जान भी नमाज पढ़ के जरा बाहर आ गए ने हूं तो मोटरसाइकिल हाँ बबलू तो अब फिर कैसे मोटरसाइकिल और को होगा तो हो जाएगा। हल्की हल्की फुहार जड़ी है ना जी वो शुरू हो गई है और मौसम दस्या होया सी उन्होंने 10 बजे की बारिश दसी हुई है तो बहरहाल 9 का टाइम तकरीबन हो रहा है शायद हो सकता है 10 बजे तक ज्यादा तेज बारिश हो जाए लेकिन हाले तक तो बारिश जड़ी है ना बिल्कुल बहुत ही प्यारा मतलब मरी वाला मौसम जड़ा नहीं जी बने हल्की हल्की फुहार थानू कपड़ों तो नजर आ रही होगी और ईद नमाज पढ़ तो बाद रस्ता चेंज करके घर जाना चाहिए जिस वजह तू असी आए दूसरे रस्ते से सी ते जांदे हुण इस रस्ते तू पए आ ते बाकी रहेगी थानू अबू जान की गल सुना ना कि अबू जान पिछली छोटी ईद मेरे नाल सन ते इस वारी वड्डी ईद ते वड्डे भाई ने आख्या है कि वड्डी ईद ते अबू जान जिहड़े ना वो मेरे वाल रहणगे और मेरे वाल ही वो सब कुछ मतलब करनगे सारा कुछ मतलब उधर ही रहणगे बहणगे सौणगे सारा कुछ उधर ही करनगे इस वजह तू भी प्रॉपर मेरे हाल जी ना ईद उन्होंने मनानी है तो इंशाल्लाह वो भी थोड़ा विखाने वा नज़दीक ही घर है इन्ना ज़्यादा दूर नहीं है तो बाकी इंशाल्लाह राज साहब साढ़े बहुत प्यारे दोस्त ने और साढ़े एक्स एम एन ए राय मुहम्मद असलम खान खरल दे साहबजादे भी हैं जी माशाल्लाह खैर मुबारक तुम भी ईद मुबारक और लाइक करना। अच्छा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी बाकी फिर
मौसम बड़ा खराब है इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो इंज लगता पे जिवें मरीज खलोते हैं माशाल्लाह पिछे बदला ना। बिलाल दे जेड़े हैं जी फ्रेंड भी आ गए ने बिलाल नू मिलन वास्ते ईद। ये ज्यादा उधर होया सी वाह भाई वाह वाह भाई वाह ईसा खान। हाँ जी अली किन्ने बजे है कुर्बानी? नमाज तो बाद है। नमाज तो हो गई दुबे पढ़ते पेंगे। अच्छा चलो जी इन्हों के घर जड़ा ना जी जानवर खलोता है बच्चा अपना ही है मतलब है, फैमिली मैंबर है साडा तो इन्हों के घर जानवर खलोता और कुर्बान करना है। आ जाओ भी चले आज इसकी जी पेमेंट है ना जी वो मैं अदा कर दी है क्योंकि जीबा करन तो पहले अदा करनी होंगी इस वजह तू अदा कर दी है और हूँ नमाज पढ़ते पे ने क्योंकि सारे साथी जड़े ना इकट्ठे हो गए और उस तो बाद ही जी है ना कुर्बानी की जाती है। काल गायब हो गया क्योंकि उन्हें ईदी ली है ना तो ईदी लैके तो निकल गया पर मेरे ख्याल जूलियन ने चला गया या फिर वो चला गया दुकान पर पता नहीं किधर गया पर आ जाएगा। मैं भी घर पहुँचता पाया और बाकी घरदियों जो है ना ईद मुबारक देने बच्चों को देखने आगे तैयार हो माशाल्लाह। फैजा बीबी जी है ना जी वो हो गई है तैयार लेकिन बेगम साहबा हाले तक तैयार नहीं हुई। बेगम साहबा हाले कपड़े बदलने ने और बच्चे तैयार करती रहेगी है इस वजह तू हाले तक तैयार नहीं हुई तो वह भी तैयार होंगी है तो फिर उन्हें तो मुलाकात करा बल्कि इंज ही मुलाकात करा दें क्योंकि पहले भी तुम ओनू देखे होया तो है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक जी। खैर मुबारक जी मेरे सारे बहन भाइयों ईद मुबारक होवे साडे तरफों क्योंकि सानू पता है कि पिंड का कल्चर इस तरह का सुबह ने सारा वेड़ा उजिया फिर सफाई सारी की घर का किया फिर बच्चों का एक बंद का कोई हालात नहीं बनता माशाल्लाह सारे रेडी हो गए ने साडी ईद ईद हो गई हूँ इंशाल्लाह मैं आप नावांगी ते फिर कपड़े फिर पा के ते इंशाल्लाह जल्दी करना। हाँ। जल्दी तैयार होना चाहिए ईद वास्ते। ठीक हो गया जी बेटे मेरे तैयार हो गए ने बस कोई टेंशन नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा लाल तैयार हो गया और ऐसा किते ऐसा मेहंदी लगा गई उन्हें भी हले तैयार होना नहीं होगी ऐसा बीबी जी है जी ये भी तैयार हो गई है ना तो लिया लेकिन हले वाल भी उस तरह ने और मेहंदी लगवा के आई किन्हें को लगवा गई आप ही को हमसाई आप ही को ना उसको आना नहीं था हमसाई आप ही तो इसलिए मैंने फिर उसके जो लुकमा है ना वो अपने मुंह से अदा किया ऐसे ही और मेहंदी लगा के आई है जी ये हम थोड़ी देर खुशक करावेगी फिर धोएगी हाथ और उस तो बाद कंगा शीशा करेगी और जल्दी पुत्र कर ली दिया ईद वाले दिन नहीं लेट करी दी होंगी। बाबा जी सुन के फिर मैंने हाथ धो के भी मेकअप भी करना मेकअप नहीं करना नहीं करना मेकअप सिर्फ कंगा शीशा करना है और हल्का सा जो क्रीम वगैरह जो है ना वो चेहरे पे लगानी है ताकि धूप वगैरह या मौसम के लिहाज से बाकी कोई मेकअप वगैरह नहीं करना ठीक है ना बस थोड़ी सुर्खी डाल चलो हल्की से हल्का से तो हो जाए ना ठीक है लेकिन ज्यादा ओवर नहीं करना और ना ही करना है मेकअप मेकअप की जरूरत नहीं है हमें ठीक है। अल्लाह ने वैसे ही हमें माशाल्लाह बहुत चांद सा टुकड़ा दिया हुआ है ओ गंदे हो गए तेरे पक्के असना नहीं जी मेकअप तो मना किया रोन लग पी है लेकिन बेटे मेकअप जड़ा ना वो नहीं करना माशाल्लाह जी सेवियां जड़ी है ना जी वो आ गई ने और ईद पढ़ने तो बाद फौरन आके सब तो पहले मीठी चीजा खानिया चाहिए ने और उस तो बाद कुर्बानी करने तो बाद फिर तो सारा दिन नमकीन चीजा ही चलनिया ने मतलब गोश्त ही चलना तो हम सब तो पहले जड़ा ना जी मुँह मीठा करना और तुम भी करना है तो आओ सौ बिस्मिल्ला जी मिल के खाने हैं। अज की ईद जी सारे अहले मुसलमान और सारे मुसलमान बहन भाइयों को मुबारक होवे तो साड़ी भी ईद जी किस तरह गुजरती पी है अगली वीडियो शेयर करने हैं और कुछ दुख भी हैं तो सुख भी हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो शेयर करने हैं। आज की वीडियो इतनी खत्म करने हैं मिलने तुम्हें नवे ब्लॉग उदू तक सफदर सैन तुम्हें पूरी फैमिली दो इजाजत अपना बहुत सारा ख्याल रखना है दुआवें याद रखना है पंडा बन बन प्यार अल्लाह हाफिज़।